हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए है। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो मैं खासकर ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे कोई उनको ऑर्डर मिलता है पोर्ट्रेट बनाने का, या फिर जैसे कोई भी उनको स्केच बनाना हुआ, तो रियल फ़ोटो को कौन सी ऐप से ब्लैक एंड वाइट करें जिससे उनको आउटलाइन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे बिगिनर्स हैं तो रियल फ़ोटो होते हैं तो वो कन्फ्यूज होते हैं कि आउटलाइन कहाँ से बनाना शुरू करें, कैसे शेडिंग दें, क्योंकि कलर्ड फ़ोटो में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से शेडिंग करनी है, कहाँ से आउटलाइन बनानी है। तो वो कौन सी ऐप अच्छी रहेगी जिससे उनको ब्लैक एंड वाइट बनाने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे इसमें शेडिंग वर्क होता है, कुछ डिटेलिंग वर्क होता है, तो आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो देख के आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में ले चलता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ एल्बम में। जैसे हमने ये फ़ोटो ले ली है, ये कलर्ड इमेज है, अब हमें इसको ब्लैक एंड वाइट करनी है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पिक्स आर्ट ऐप है लेफ्ट साइड में। तो इसको मैं गैलरी से ही ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से पिक्स आर्ट में क्लिक कर लिया है। अब आप जैसे पिक्स आर्ट में आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए इफ़ेक्ट आ रहा है ऑप्शन, आप उसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जाना है एफएक्स इमेज में, इसमें आप देखिए कई सारे इसमें फ़िल्टर्स हैं, वो आपको ब्लैक एंड वाइट चूज़ करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे आपने ये ब्लैक एंड वाइट ले लिया है तो इस तरीके से आपको ब्लैक एंड वाइट वाला इफ़ेक्ट यूज़ करना है। अगर आपको रियलिस्टिक वर्क बनाना है तो आप येला इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको एक एक चीज़ डिटेलिंग वर्क इसमें दिख जाएगा अगर आपको रियलिस्टिक वर्क बनाना है तो। और अगर थोड़ा सा डार्कनेस देनी है तो आप इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। नीचे आप इमेज इफ़ेक्ट देख लीजिए कि कौन सा मैं इसमें इफ़ेक्ट चेंज कर रहा हूँ, कौन सा आपको डार्क आपको बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। इसमें अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट हैं, वो आपको जौन सा अच्छा लगे आप वो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें डार्क है, अब लाइंस देखिए, अगर आपको थोड़ी ब्राइटनेस देनी है फेस में तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डार्क अगर आपको वर्क करना है फेस में तो आप वाला चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब ब्लैक एंड वाइट HDR मोड में जाएंगे तो ज़्यादा डिटेलिंग वर्क आपको दिखेगी। HDR मोड में आपको आउटलाइन बनाने के लिए काफ़ी अच्छे हेल्प मिलेगी इसमें, क्योंकि एक एक चीज़ आपको लाइंस सब कुछ इसमें डिटेलिंग दिख जाएगी। अब आप जूम करके देखिए तो आइज़ के पास भी जितना एरिया है, डार्क एरिया है, तो वो आपको बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब आप देखिए, अगर आप गैलरी में अगर कोई फ़ोटो देते हैं, आप बनाते हैं, तो देखिए ज़्यादा जूम नहीं हो पाती है। तो आपको पिक्स आर्ट में ये भी फ़ायदा रहता है कि अब देखिए पिक्स आर्ट में मैं क्लिक करूँगा तो आप इसमें फुल जूम कर सकते हैं। काफ़ी जूम कर करने के बाद भी आप डिटेलिंग वर्क एक एक चीज़ आप उसमें देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ किस तरीके से हमें आपको ड्रॉ करनी है। तो ब्लैक एंड वाइट मोड से हमें थोड़ा सी ये प्रॉफिट हो जाता है कि आपको आउटलाइन बनाने में, डिटेलिंग वर्क देने में काफ़ी आसानी हो जाती है बिगिनर्स को कि आपको किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है। तो एक ऐप और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे दूसरी ऐप है फोटोशॉप एक्सप्रेस, आप स्क्रीन में देख सकते हैं उसका लोगो। तो इसको भी मैं गैलरी से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने फोटोशॉप एक्सप्रेस पे क्लिक कर लिया है। अब आप यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट मोड आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जाएंगे ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट में, आपको रियलिस्टिक वर्क बनाना है तो इसमें आप देखिए काफ़ी फाइन क्वालिटी आती है फोटोशॉप एक्सप्रेस ऐप से। तो आप देखिए एक एक चीज़ आपको काफ़ी डिटेलिंग वर्क इसमें दिखेगी कि आपको किस तरीके से इसमें ड्रॉ करना है, कैसे डिटेलिंग देनी है। और अगर आपको फेस में डिटेलिंग नहीं देनी है और बाकी चीज़ में अगर आपको वर्क करना है तो आप इसके बगल में आप देखिए दूसरा फिल्टर है। अब देखिए इसमें ब्राइटनेस आ गई है, अगर आपको डिटेल वर्क नहीं देना है फेस में तो आप इस याला मोड चूज़ कर सकते हैं कि आप बाकी चीज़ों में आप डार्कनेस बढ़ा सकें और फेस में ज़्यादा डिटेल ना दें। अब जैसे जो डॉट वर्क होता है उसे हम स्टिपलिंग डॉट आर्ट कहते हैं, जो टेक्निकल पेन से यूज़ किया जाता है, तो उसका भी इसमें आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप जैसे कोई भी इमेज इसमें चूज़ करते हैं तो हमें इसमें इन्फ्रेड फिल्टर का यूज़ करना है। इसमें आप देखिए इसमें डॉट डॉट आपको फेस में दिखाई देगा, जितना आप इसमें जूम करेंगे इसमें आप ये वाला इफ़ेक्ट चूज़ कर सकते हैं स्टिपलिंग डॉट आर्ट के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है इन आर्टों में। लेकिन अगर आपको इसमें ड्रॉ करना है, कुछ अपने आर्ट में चेंज करना है, तो आप ये इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे किसी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्टिपलिंग आर्ट हम किस तरीके से करें, तो आप येला फिल्टर इसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको फोटोशॉप एक्सप्रेस में मिलेगा। इसमें आप अलग अलग तरीके के फ़िल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग में कि आपको ज़्यादा जैसे डिटेलिंग वर्क नहीं देना है तो वो भी आप इसमें
दूसरा फिल्टर इसमें चूज़ कर सकते हैं। कई तरह के इसमें आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे ब्लैक एंड वाइट मोड में, कि आपको जैसे ज़्यादा डार्क बनाना है, ज़्यादा डिटेलिंग वर्क देना है, तो आपको हर तरीके के इसमें फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो इसमें आप पिक्सआर्ट और फोटोशॉप एक्सप्रेस का इसमें अगर आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं भी यही यूज़ करता हूँ। अगर कोई भी ब्लैक एंड वाइट मुझे ड्राइंग करनी होती है तो मैं इन्हीं इफ़ेक्ट का यूज़ करता हूँ, कि इसमें जो मुझे अच्छा लगता है वैसे ही आपको जिसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें जो भी आपको इसमें लगे ड्राइंग करने में आसानी है, तो वो चीज़ आप इसमें से इफ़ेक्ट ले सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा कि आपको किस तरीके से डिटेलिंग वर्क के लिए ब्लैक एंड वाइट आपको इफ़ेक्ट देना है, रियलिस्टिक वर्क के लिए आपको कौन सा इफ़ेक्ट देना है। तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस तरीके से ड्रॉ करने में। और अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन वीडियोज़ की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।